हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में। किसकी ऑनलाइन क्लास? आपके ही स्कूल की ऑनलाइन क्लास है ये, किसी दूसरे स्कूल की ऑनलाइन क्लास नहीं है, आपके ही ऑनलाइन, आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लास है। आपके ही सर है जो आपको पढ़ाने के लिए पहले आते थे, कोई अनजान सर भी नहीं है। कि ऐसे नहीं कि अनजान सर है, हम तो नहीं पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का मन नहीं करता। वही सर है जो आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे, यानी जब आप स्कूल आते थे और उस समय पढ़ाते थे, वही सर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए आप ऐसे मना नहीं करना, हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि स्कूल बंद है, इस कारण से आपको अपने घर मोबाइल से ही पढ़ना है। बहुत अच्छा तरीका आपके लिए मोबाइल से पढ़ने का। ऐसा होता है ना, आपके पेरेंट्स जो है आपको मोबाइल नहीं देते घर पे, लेकिन अब तो देंगे ना। आप ऐसे कह देना कि मेरे को पढ़ना है, मेरी सर क्लास लेने के लिए आ गए हैं, इसीलिए वो आपको फोन भी दे देंगे। तब आपको पढ़ना है, आपको मना नहीं करना है। हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर। कौन सा था पहला चैप्टर? माई फैमिली, यानी मेरा परिवार। और उसमें हमने सभी पढ़ाए, हमने छोटा परिवार पढ़ा, हमने बड़ा परिवार पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि एक परिवार में जो माताजी होते हैं वो क्या काम करते हैं, दादाजी क्या काम करते हैं, पिताजी क्या काम करते हैं। और जो कल हमारी क्लास थी उसमें हमने दो क्वेश्चन के आंसर किए थे। एक क्वेश्चन था कि परिवार का मतलब क्या होता है, और एक क्वेश्चन था कि दादा दादी जी हमारे लिए क्या करते हैं। आज हम कौन से क्वेश्चन करेंगे? बी वाले, यानी पेज नंबर देखो 9। ये 9 पेज नंबर है ना, नीचे लिखा हुआ पेज नंबर। और ये वाला पेज है, यहाँ पर देखो बी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आप बुक नोटबुक लेकर बैठ जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके सर अब शुरू कर रहे हैं आपकी पढ़ाई। तो लिखना शुरू कर दीजिए आप भी, और ऐसे लिखना बी, और लिखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल का मीन्स होता बहुत सारे, बहुत सारे, यानी आपको इसके आंसर 3 दे रखे होंगे, आपको 3 में से कोई एक करना है। आपको ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, 3 में से जो सही होता है वो ही करना है। मल्टीपल चॉइस यानी आपकी इच्छा, और क्वेश्चंस का मीन्स आपको पता है कि प्रश्न होते हैं। फिर क्या लिखा हुआ नीचे कि टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन का मीन्स टिक होता है, आपको टिक लगाना है। कहाँ लगाना है? करेक्ट यानी सही, और ऑप्शन यानी विकल्प, जो सही विकल्प होता है उसके आगे टिक लगा देना है। आपको आगे बॉक्स बना हुआ है। अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो नंबर 1 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है ए स्मॉल फैमिली, ए स्मॉल फैमिली इज ए, ए का मीन्स एक होता है, स्मॉल यानी छोटा, फैमिली यानी परिवार, इज यानी है, ए यानी फिर एक, एक छोटा परिवार एक है। अब क्या है एक छोटा परिवार? तो आपको ऐसे लिखा हुआ ए, फिर लिखा हुआ है कि सैड फैमिली, एस ए डी और एफ एम आई एल वाई, सैड फैमिली। सैड का मीन्स होता है उदास, और फैमिली मीन्स परिवार, कि उदास परिवार। फिर आगे बॉक्स है ऐसा, फिर लिखा हुआ है बी, और बी में क्या लिखा हुआ है? हैप्पी फैमिली, एच ए डबल पी वाई एफ एम आई एल वाई। फिर यहाँ बॉक्स बना हुआ है, फिर नंबर सी लिखा हुआ है, और सी में क्या है? नन ऑफ दीज, एन ओ एन ई ओ एफ टी एच ई एस ई, नन ऑफ दीज। अब देखो तो फिर क्या पूछा आपको? एक छोटा परिवार है। अब क्या है? एक उदास परिवार है, एक खुश परिवार है, या नन ऑफ दीज मीन्स होता है कि दोनों ही नहीं। None of these means होता है इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किस में से? ए में से, बी में से, यानी ये दोनों ही। ये कह रहा है दोनों भी नहीं। तो आपको पता है एक छोटा परिवार कैसे होता है? आपके घर पर भी आपका छोटा परिवार होगा, जिसमें आपके माता पिता रहते हैं, और सिर्फ आप या फिर आपकी कोई सिस्टर या आपके ब्रदर है तो रहते हैं, यानी जिसमें सिर्फ भाई बहन हो और उसके अलावा उसके माता पिता हो, यानी जिस परिवार में सिर्फ 4 लोग ही हो वो छोटा परिवार कहलाता है। अब जिस परिवार में 4 लोग ही होते हैं वो खुश परिवार होगा, उदास परिवार होगा? वो तो खुश ही होगा,
क्यों खुश होगा? क्योंकि आपके पिताजी अगर चाहे कोई चॉकलेट लेकर आएंगे तो आपको दो लेकर आएंगे तो फिर एक तो आपकी हो जाएगी, आपके सिस्टर की हो जाएगी, दूसरे की किसी की होगी नहीं, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आपके परिवार में। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो वो परिवार खुश परिवार होगा, वो उदास तो होगा नहीं। तो आपको क्या करना है कि एक छोटा परिवार खुश परिवार ही होता है। तो आपको ये लिखा हुआ है खुश परिवार। अब करना क्या है, यहाँ करना है कि टिक लगाना है। कहाँ लगाना है? जो करेक्ट ऑप्शन होता है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर टिक लगाना है। ये आपका हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा है हु कुक्स फूड फॉर अस, हु कुक्स COOKS FOOD फूड FOR फॉर US अस। हु का मीन्स होता है कौन, हु का मीन्स होता है कौन, कुक का मीन्स होता है पकाना या बनाना। क्या पकाना? तो भोजन पकाना, फूड यानी भोजन होता, फॉर यानी के लिए, अस यानी हमारे, तो हमारे लिए भोजन कौन बनाता है। अब आपको भी पता है आपके घर में भोजन कौन बनाते हैं, आपके पापा तो बनाते हैं नहीं, या किसी किसी के पापा भी बनाते हैं क्या भोजन? देखो ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन में है कि माताजी खाना बनाती है, और बी ऑप्शन में है कि फादर पापा खाना बनाते हैं। किसी किसी के तो लगता है बनाते होंगे, पापा भी खाना है ना। और सी में है कि AUNT आंट का मीन्स होता है चाची कह दो, मासी कह दो, बुआ कह दो, वो कुछ भी कह सकते हैं। अब आप ही बताइए आपके घर पर खाना कौन बनाती है? पापा तो किसी के नहीं बनाते हैं ना। अगर जिसके पापा खाना बनाते हैं वो यहाँ पर टिक करना, यहाँ पर टिक मत करना। क्यों? मैं नोटबुक चेक करने आऊंगा तो आपके घर आकर पूछूंगा कि आपके घर में खाना कौन बनाते हैं। आप कह दोगे कि सर मेरे घर में तो मेरी मम्मी खाना बनाती है, और मैंने पूछ लिया और कह दिया कि तेरे तो पापा खाना बनाते, तब फिर मारूंगा आपको। इसीलिए आपके घर में जो खाना बनाते हैं उसके आगे टिक करना। अगर पापा खाना बनाते तो पापा के आगे लिखा ना फादर, उसके आगे भी टिक कर देना। अक्सर क्या होता है माताजी खाना बनाते, मेरे तो माताजी खाना बनाते इसीलिए यहाँ टिक किया है। अब आपके कौन खाना बनाते वो आप देख लेना। अब बात करूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और थर्ड है हु earns का मीन्स होता है कमाना। क्या कमाना? मनी यानी पैसा कमाना, फॉर द फैमिली। हाँ, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार के लिए पैसा कौन कमाता है, तो कौन कमाता परिवार के लिए पैसा? ये कह रहा है ए ऑप्शन तो कह रहा है माता कि मम्मी पैसा कमाती है, और बी में है फादर कि पापा पैसे कमाते हैं, और सी में है बोथ ए एंड बी कि मम्मी भी खाना पैसा कमाती है और पापा भी पैसा कमाते हैं। अब देखो इसका आंसर, हम सबको पता है कि अगर किसी की मम्मी की नौकरी लगी हुई है तो वो भी पैसा कमाएगी, और पापा तो पैसा सबके कमाते ही हैं, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, हाँ? और फिर कह रहा है बोथ एंड बी कि मम्मी भी पैसा कमाती है पापा भी पैसा कमाते हैं। तो इसके अंदर देखो हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि एक परिवार के लिए पापा पैसे कमाते हैं, लेकिन आपको पता है मेरे को भी पता है कि किसी किसी के मम्मी भी है पैसा कमाती है, लेकिन आपको क्या करना है, पापा लिखा हुआ है फादर उसके सामने टिक करना है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे चैप्टर में यही पढ़ा कि परिवार के लिए पैसा पापा कमाते हैं, मम्मी नहीं कमाती है, ठीक है ना। तो आपको भी क्या करना है, जहां फादर लिखा हुआ है उसके आगे टिक करना है। अब बात करूंगा आगे वाले क्वेश्चन की, हु टेल्स अस स्टोरी, STORIES तो ये कह रहा है स्टोरी यानी कहानियां, अस यानी हमारे को, टेल्स यानी बताना या कहना, हु यानी कौन, तो आपको कहानियां कौन कहता है या बातें कौन सुनाता है, कौन कहता है, तो ये कह रहा है ए मदर MOTHER ये कह रहा है कि माताजी कहानी सुनाती है या कहानी कहती है। फिर बी में कह रहा है
कि फादर FATHER कि पापा कहानियां सुनाते हैं, और लास्ट है कि ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी जी। हाँ अब आप बताओ आपको कहानी कौन सुनाती है। हाँ होता है ऐसा, बट मम्मी तो खाना बनाती है, घर का सारा काम करती है, उसको तो टाइम ही नहीं मिलता है कहानी सुनाने का। पापा पापा तो घर पर रहते ही नहीं है, सुबह टिफिन लेके जाते हैं, शाम को टिफिन लेकर वापस आते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, क्यों? क्योंकि वो तो पैसा कमाने का काम करते हैं। अगर पैसा कमाने नहीं जाएंगे तो आपके दादा दादी क्या खाएंगे, आप खुद क्या खाओगे? आपके पास में डेयरी मिल्क 5 स्टार वो नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि बिना पैसे तो कोई देता नहीं है। तो आपको पता है कि कहानियां सुनाने का काम किसका होता है? माता जी का नहीं होता है, क्योंकि वो तो घर का सारा काम करते हैं। पापा का भी नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो तो सुबह कमाने के लिए जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। और दादा दादी बूढ़े बूढ़ी, वो दादा दादी तो सारे दिन घर पर ही रहते हैं, उसका तो कोई दूसरा काम है नहीं, तो वो क्या कहेंगे? हाँ वो आपको अपने पास बिठा देंगे और आपको कहानियां सुनाएंगे, आपको बातें कहेंगे बहुत सारी। तो ये काम किसका है? ग्रैंड पेरेंट्स का है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन के आंसर बता दिए, आपको होमवर्क में यही करना है। क्या करना होमवर्क में? तो ये क्वेश्चन बी है और 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। और कैसे करने हैं? होमवर्क में करने हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, आपको मजा भी आया होगा ये क्लास दे करके। तो आपने जहां पर पिछला वाला काम छोड़ा था वहीं से शुरू करना है। और ऐसे लिख, कल आपने लिखा होगा ए लिख करके, फिर ओरल क्वेश्चन, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर आज उसके आगे बी लिख देना, और फिर ये वाली लाइन लिखना, फिर उसके बाद ये वाली लाइन लिखना। या फिर आप ऐसे कर देना, आपकी जो बुक है ये वाली बुक, और इस बुक के अंदर ये हैप्पी फैमिली लिखा हुआ है, यहाँ टिक कर देना। सही कहाँ से? यहाँ देख करके, यहाँ देख करके आपकी बुक में भर लेना पेंसिल से। यहाँ हैप्पी फैमिली है तो यहाँ, फिर यहाँ मदर के सामने टिक कर देना, फिर पापा के सामने टिक कर देना, एंड यहाँ ग्रैंड पेरेंट के सामने पेंसिल से टिक कर देना। उसके बाद में ये अच्छा नहीं दिखता है तो आपकी बुक में से ये कर लेना, क्योंकि जो बुक में लिखा है वही मैंने लिखाया है। इस कारण से पहले बुक में पेंसिल से नोट कर लें आंसर, टिक कर लें, और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप अपनी बुक से देखकर काम कर लें। क्यों? क्योंकि बुक में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, तब आप के कोई भी गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो आपका काम कैसा होगा? आपका काम सुंदर होगा। सुंदर होगा तो क्या होगा? आपको फिर गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, 5 स्टार मिलेगा, 10 स्टार मिलेगा। इस कारण से आपको ये अच्छे ढंग से काम करना है। कल वापस आऊंगा मैं इसी समय आपकी क्लास लेने के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।